नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि भारतवर्ष के वैसे पड़ोसी देश जिनकी स्थलीय सीमा भारतवर्ष के साथ लगती है, और साथ ही हम लोग देखेंगे भारतवर्ष के वे पड़ोसी देश जिनकी स्थलीय तथा जलीय दोनों सीमाएं लगती हैं। एक आसान सी ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे कि किस प्रकार से आप एग्जाम में तथ्यों को समग्र रूप से लंबे समय तक रख सकें अपने दिमाग में। ठीक है, किसी भी प्रकार से देखिए भूलने की स्थिति में क्या होता है कि हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं, जिससे कि आंसर गलत ठीक हो जाता है। तो हम लोग उसको दूर करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक का सहारा लेंगे। जैसे प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में कि इनमें से किसकी सीमा जो है भारतवर्ष के साथ जो है स्थलीय सीमा लगती है अथवा स्थलीय सीमा नहीं लगती है, या फिर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि स्थलीय तथा जलीय सीमा लगती है अथवा नहीं लगती है, तो घुमा के प्रश्न आपके स्टेट पीएससी या फिर यूपीएससी में पूछ लिया जाता है। तो आइए हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से, और कीवर्ड भी कर सकते हैं उसके माध्यम से, हम लोग देखने का प्रयत्न करते हैं कि क्या है। पहला जो कीवर्ड है जिसमें कि स्थलीय सीमा से संबंधित है वो वर्ड है चाइना बैन। ठीक है, जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत सरकार द्वारा चाइनीज जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनको बैन कर दिया गया है, उसी का सहारा आप समझिए कि उसी को लिया गया है यहाँ पर चाइना बैन। चाइना से आपका चाइना हो गया, बी से आपका भूटान याद रखना है। ठीक है, जैसे कि मैं एक बात और बता दे रहा हूं कि जो भी पड़ोसी देश होते हैं, ठीक है, जितने भी पड़ोसी देश है उसको याद करने से संबंधित ट्रिकी वीडियो भी मैं बना चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को आप देख सकते हैं कि बचपन में एमबीए किया जिसमें बस से आपका बांग्लादेश है, ठीक है, जो कि लगभग लगभग 4000 कुछ किलोमीटर है उसमें, जो सेम सीमा शेयर करती है भारतवर्ष के साथ। और सबसे लास्ट में एमबीए में ए आता है अफगानिस्तान, जो कि 106 किलोमीटर के आसपास सीमा शेयर करता है, साझा करता है भारतवर्ष के साथ में। ठीक है, तो आप आराम से देख सकते हैं कि बचपन में एमबीए किया। उसी प्रकार से इसमें हम देखेंगे कि चाइना बैन में यहाँ पे याद रखना है कि इस बी का अर्थ बांग्लादेश नहीं है, ठीक है, इसमें बी का अर्थ भूटान है जो कि 106 किलोमीटर भारतवर्ष के साथ सीमा साझा करता है। तो ए से आपका अफगानिस्तान आपका 106 किलोमीटर है, भूटान ज्यादा है, ठीक है, एन आपका नेपाल हो जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे चाइना बैन से आपका हो जाता है चाइना, भूटान, अफगानिस्तान और नेपाल। उसके बाद में हम लोग देखते हैं भारतवर्ष के वे पड़ोसी देश जिनकी स्थलीय तथा जलीय दोनों सीमाएं लगती हैं। ठीक है, इसमें क्या आपको याद रखना है, देखिए माँ भाग में पकवान रखी है या माँ भाग में पकवान पका रही है, जैसे भी आप कह सकते हैं, पकवान पकाना से आपका पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, तो माँ से आपका एक ही वर्ड है। आप पूरे का पूरा बचपन में एमबीए किया में आप देख सकते हैं पड़ोसी देश जितने भी हैं, सात पड़ोसी देश हैं, उन सात पड़ोसी देश में दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा कि माँ से शुरू होने वाला केवल एक ही देश है जो कि म्यांमार है, और बाघ आपका बांग्लादेश स्पष्ट है, और पकवान से आपका पाकिस्तान हो गया। तो जो स्थलीय और जलीय दोनों सीमाएं लगती हैं उससे संबंधित ठीक है माँ बाघ में पकवान रखी है या फिर माँ बाघ में पकवान पका रही है या पकाती है। तो इस तरीके से आपका माँ बाघ और पकवान से म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान बन जाता है, और आप आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से लंबे समय तक आप इन तथ्यों को समग्र रूप से संकलित कर सकते हैं। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोगों को वीडियो पसंद में आया होगा, मैं वीडियो की समाप्ति करता हूं। आप लोगों का दिन शुभ हो।